हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग बेटा वंश यादव, खुशी। अरे वाह, बहुत सारी खुशियां आ गई भाई, खुशियां ही खुशियां हो रही हैं। शुभम और खुशी यादव है हमारे पास, खुशी शेखावत भी है, खुशी यादव भी है ना? हमें तो खुशी चाहिए, चाहे यादव मिलो चाहे शेखावत, है ना? लक्षिता, नमन, प्रियांशी, एंजल, शिवम, नीरज, आर्यन, मुनु स्वामी, दीपिका, पवन, तनिष्का, आर्यन, ऋषभ। वेरी गुड बेटा, फटाफट से जुड़ा करो, फटाफट से जुड़ा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, स्टार्ट करें क्लास। तो जिन बच्चों के पास है ईवीएस की बुक, वो सभी बच्चे अपने ईवीएस की बुक को ओपन कर लें। सेकंड नंबर चैप्टर में स्टडी करा रही हूँ। तो बच्चों अपना चैप्टर चल रहा है आवर वर्क इन द फैमिली एंड स्कूल। Our work in the family and school। और इसमें कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? पेरेंट्स के वर्क, कि पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं। तो सभी बच्चों ने अपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि आप कैसे बच्चे हुआ करते थे। तो कल हमने पढ़ा था वर्क्स ऑफ पेरेंट्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं अवर वर्क, हमारा काम। अवर मीन हमारा, अवर मीन हमारा, वर्क मीन काम, यानी कि हमारे क्या क्या काम हैं, हमें क्या क्या कर, हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो, वी कैन ऑल्सो डू सम वर्क इन द फैमिली। हम भी हमारी फैमिली में रहकर कुछ काम कर सकते हैं, या कुछ काम। वी कैन अरेंज रीडिंग टेबल, जैसे कि हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे जो रीडिंग टेबल होती है, यानी कि जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, जिस टेबल पर बैठकर के आप पढ़ाई कर रहे हो, या जहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ाई करते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि मैम हम तो बेड पे ही बैठ के पढ़ लेते हैं, हमारे तो स्टडिंग टेबल नहीं है। तो टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ पर अपनी बुक्स, नोटबुक्स को उस टाइम आप लेकर के बैठते हो। कई बच्चों की आदत क्या होती है कि पूरे बेड पर बुक नोटबुक फैला लेते हैं, है ना, और फिर उन्हीं के ऊपर बैठ करके पढ़ते हैं, वो पैरों के नीचे आती हैं, दब जाती हैं, फिर उन्हें उठा करके बैग में भी नहीं रखना, फिर मम्मा आती हैं वो सारा सामान उठा करके रखती हैं, फिर कभी हमारी पेंसिल खो जाती है, कभी हमारा इरेजर खो जाता है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अब बच्चे जो हैं वो क्या काम कर सकते हैं, बच्चे काम कर सकते हैं कि आपकी जो स्टडी टेबल है, या आप जहाँ पर भी बैठ के पढ़ाई करते हो वहाँ आप उसको मैनेज रख सकते हो। ठीक है, जहाँ पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस जगह को मैनेज रखने का काम आप कर सकते हो। एंड सॉरी, स्कूल बैग, साथ में ही आप बच्चे अपना जो स्कूल बैग है उसको भी मैनेज रख सकते हो। पढ़ाई की बैग में सारा सामान डाला, चेक किया कि मैंने पूरा सामान बैग में रखा है या नहीं रखा है। स्कूल में जब आपको आना है, अभी आपको पता है ना आपके स्कूल खुल रहे हैं 2 तारीख से, 2 अगस्त से सभी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। नर्सरी टू 12th क्लास सभी बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, सभी बच्चों के लिए बसेज आएंगी, सभी बच्चे बस में बैठ करके आया करेंगे। ठीक है, और मैम आपको बिल्कुल सामने मिलने वाली हैं, यहीं पे स्कूल में मिलेंगी।
है ना। तो जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको क्या करना है, डेली स्कूल टाइम से पहले, जैसे कि आपको बस में आना है उससे पहले सभी बच्चे अपना बैग चेक करें सुबह उठ करके कि मेरे बैग में सारा सामान प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपका जो भी पढ़ाई का कॉर्नर है, चाहे आप टेबल पर पढ़ते हो या आप बेड पर पढ़ते हो, अपने सामान को सही तरीके से रखना, पढ़कर उसे वापस अपने बैग में रखना, अपने बैग को मैनेज रखना। ये नहीं है बैग में फटे हुए कागज़ डाल लिए, है ना। बहुत सारा कई बच्चे होते हैं बहुत सारा कचरा रखते हैं बैग में, खराब पेंसिल हैं, पेन हैं, खराब शॉर्पनर हैं, शॉर्पनर की जो बीच में ब्लेड होती है उसको निकाल लेते हैं, फिर उनको ऐसे कचरा बना बना के इकट्ठा कर लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि स्कूल में जब भी टाइम मिलता है तब उसको ऐसे मार मार के खेलते हैं ना, है ना। तो ये सारी बैड हैबिट्स होती हैं, हमें हमारे बैग को मैनेज रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, जो ज़रूरत का सामान है उसी को बैग में रखना चाहिए, ठीक है। हाँ, वी कैन ऑल्सो अरेंज आवर क्लॉथ्स, टॉयज एंड अदर थिंग्स ऑफ आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स। वी कैन ऑल्सो अरेंज आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़ों को भी अरेंज कर सकते हैं। अभी मम्मा वॉश कर देती है ना कपड़े, कपड़े जब सूख जाते हैं उसके बाद में आपका एक कॉर्नर बना हुआ है ना, घर की किसी अलमीरा में आपके कपड़े रखे जाते होंगे, है ना, और आपने वो ड्यूटी मम्मी को दे रखी है कि आप वॉश कर लिया करो और इनको फिर समेट के रख दिया करो। लेकिन नहीं, मम्मा वॉश करती है क्योंकि हमें वॉश नहीं करने आते, कोई बात नहीं है। आप जब वो कपड़े सूख जाते हैं तो अपने कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके और अलमीरा में आप खुद रखा करो, ठीक है। तो ये काम बच्चों का होता है, अपने कपड़ों को सही तरह से अरेंज करना। साथ में ही आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनके भी कपड़े आप रख सकते हो। जो छोटे बहन भाई हैं आपके, उनको नहीं करना आता है अभी कपड़े अरेंज करने का काम, लेकिन आप कर सकते हैं। तो आप मम्मा की हेल्प कैसे कर सकते हो, अपने कपड़े, अपने छोटे बहन भाइयों के कपड़े सही तरह से फोल्ड करके उनको अलमीरा में रख सकते हो, ठीक है। स्कूल से गए, स्कूल से जाने के बाद आपकी जो यूनिफॉर्म है उसको उतार करके प्रॉपर प्लेस पे रखना। अपने छोटे बहन भाइयों को भी बोलना कि जो ड्रेस है उसको उतार के प्रॉपर प्लेस पे रखना है, अपने बैग को, अपने शूज़ को, सभी को सही जगह पर रखना, है ना। ये सारे छोटे छोटे काम बच्चों हम लोग कर सकते हैं। तो जो काम हम कर सकते हैं हमें उन काम में मम्मा की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। We can arrange the dining table. अब dining table क्या होती है, dining table एक बड़ी table होती है जिसके चारों तरफ chair डाल के सभी घर के लोग खाना खाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि dining table ही हो, जिन बच्चों के घर में dining table नहीं है तो घर में सभी लोग एक साथ बैठ कर के खाना तो खाते हैं ना भाई। अगर मम्मा पापा साथ नहीं खाते हैं तो बच्चे लोग तो सारे साथ खाना खाते हैं ना। तो आप जो भी बहन भाई हैं सभी के लिए प्लेट्स लगा सकते हैं, है ना। डाइनिंग टेबल अरेंज करने का मतलब है कि खाने के लिए प्लेट लगाना, जो बाउल्स हैं वो रख देना, है ना, प्रॉपर स्पून वगैरह लेकर के खाना खाना, फिर खाना खाने के बाद सिंक में अपने बर्तनों को उठा करके रखना। ये काम आप कर सकते हैं ना, बोलो बच्चों कर सकते हैं ना आप। हाँ, We can bring water for our mother. हम मम्मा को पानी ला करके दे सकते हैं, है ना। अभी मम्मियाँ पानी ला कर दे रही हैं ना। तो आप बच्चे भी अपने मम्मी को, पापा को, बड़ों को, छोटों को पानी ला करके पिला सकते हो, ठीक है ना। तो ये काम कर सकते हो आप। We can water the vegetable garden. घर में जो आसपास में जो कच्ची मिट्टी वाली जो जगह होती है उसमें कोई फ्लावर्स वाले प्लांट लगे हुए होते हैं या कुछ वेजिटेबल प्लांट्स लगाते हैं ना। कुछ सब्जियां उगा दी हैं, कुछ सुंदर फूल वाले पौधे लगा रखे हैं, है ना। तो हम बच्चे उसमें क्या कर सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। क्या करें हम उसमें, पानी डालें, ठीक है। कोई भी छोटा बर्तन जिसको आप
आसानी से उठा सकते हो, आप उसमें पानी डाल करके पौधों में पानी डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको डालना चाहिए, जिन जिन बच्चों के घर में प्लांट्स लगे हुए हैं वो सभी बच्चे पौधों में डेली शाम को सुबह पानी डाला करो। अभी गर्मियों का मौसम है ना, तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी डाला करो उसके अंदर। वी कैन प्लांट ट्रीज, साथ में हम पौधे उगा भी सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हमारे घर में तो प्लांट्स ही नहीं है। तो नहीं है तो आपको प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है, प्लांट्स लगाओ। अगर घर वाले पैसों का प्लांट नहीं ला करके देते हैं, कि पैसे से खरीद करके प्लांट नहीं ला के देते हैं, तो अभी इस बारिश के मौसम में जो है नीम है, शहतूत है, ये छोटे छोटे अपने आप उगाते हैं। तो आप एक छोटा सा गड्ढा बनाओ, उसके अंदर जो अभी नया नया पौधा बना है, इतने इतने पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको निकालो और जहाँ पर आपको अपने घर में सही जगह लगती है वहाँ पर लगाकर उसमें डेली पानी डाला करो, ठीक है। तो आप बच्चे क्या कर सकते हैं, ट्री प्लांट कर सकते हैं एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनकी देखभाल एक दिन लगाना काम नहीं है, डेली उसकी केयर करनी है आपको, ठीक है। बिसाइड्स वी कैन क्लीन द कॉर्ट यार्ड, आपके घर का जो आंगन है आप उसकी सफाई कर सकते हो, कर सकते हो ना। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप अपना जो कॉर्ट यार्ड है, आंगन है, उसकी भी सफाई कर सकते हो। एंड कॉर्ट यार्ड एंड एरियाज अराउंड द हाउस, घर के आसपास का, घर के अंदर तो मम्मी नहीं करने देगी, है ना, कि ये सामान तुम तोड़ दोगे, इधर उधर रख दोगे, फिर मुझे मिलेगा नहीं, है ना। एक तो आप अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हो, सामान जो भी घर में रखा हुआ है ना, अगर कोई सामान इधर उधर रखा हुआ है उसे सही जगह पर रखवाने में। दूसरा, घर के बाहर का जो हिस्सा है या जो आंगन का जो खुला हिस्सा है उसमें अगर कोई गंदगी है उसे साफ करना, डस्टबिन में डालो उसको, या वहाँ पर कोई अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ है उसको उठा करके रखना, है ना। कई बार हम लोग सभी साथ बैठते हैं तो चेयर्स डाल दी, है ना, तो चेयर डाल दी, फिर हम लोग वहाँ से उठ जाते हैं और फिर चेयर को तो कोई उठाता ही नहीं है, आप उठा सकते हो। वहाँ पर किसी के जूठे कप रखे हुए हैं, ग्लास रखे हुए हैं, आप फटाफट उनको उठाइए, सिंक में रख के आइए, वहाँ पर अगर कोई गंदगी हो गई है तो उसको साफ कीजिए, है ना, ये काम आप कर सकते हैं। बिसाइड्स ब्रदर्स सिस्टर्स एंड पेरेंट्स, देर आर ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स अंकल्स आंट्स लिविंग इन द फैमिली। ये तो आप सभी बच्चों को पता है कि एक जो फैमिली होती है उसके अंदर मम्मा पापा भाई बहन चाचा ताई जी ताऊ जी उनके बच्चे और जो है सभी लोग साथ में रहते हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प देम, तो हमें ना केवल अपनी मम्मा की हेल्प करनी चाहिए बल्कि हमें हमारी फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उन सभी की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हेल्प अवर पैटर्नल एंड मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स टू टेक देयर मेडिसिन, जैसे कि पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादाजी दादी जी, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि नाना जी नानी जी। आप नाना नानी दादा दादी की कैसे हेल्प कर सकते हो, टाइम पर उनको दवाइयां दे करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, वी कैन ब्रिंग देयर फूड ऑन टाइम। आप सभी बच्चे जानते हो कि दादा दादी है, नाना नानी है ना, वो जहाँ पर बैठे होते हैं वहीं पे खाना खाते हैं, तो आप बच्चे लोग फटाफट उनके लिए खाना सर्व कर सकते हो। मम्मा खाना डाल के देंगी और आप फटाफट से दादा दादी को नाना नानी को खाना परोसेंगे जहाँ पर भी रहो आप, है ना। इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून वी कैन वॉक अ लिटिल विद देम अराउंड द हाउस, सुबह और शाम के टाइम हम दादा दादी नाना नानी के पास हैं तो नाना नानी उनके साथ हमें थोड़ा सा दूर घर के आसपास ही वॉक पर भी जाना चाहिए, उनको भी साथ ले जाना चाहिए कि आप चलो हम घुमा करके लेके आते हैं आपको, ठीक है। तो सभी बच्चे जाएंगे जिनके घर में दादा दादी रहते हैं या जो बच्चे नाना नानी के पास में रहते हैं, सभी अपने दादा दादी या नाना नानी को लेकर के सुबह और शाम दोनों टाइम आपको वॉक पर जाना है, ठीक है। वी कैन रीड द न्यूज़पेपर फॉर देम,
अब जो दादाजी दादी होते हैं, नाना नानी हैं, उनको न्यूज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनकी आंखें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और आप सबको पढ़ना आता है तो आप उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मम्मी काम में बिजी है ना, मम्मी को न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप उनको काम करते करते ही, मम्मी काम करते रहेंगे और आप उनको न्यूज़पेपर रीड करके सुना सकते हो। आप उनको न्यूज़पेपर रीड करके सुनाया करो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इससे आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ में ही जो न्यूज़ का वर्क है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आपने भी न्यूज़ पढ़ा, मम्मी को भी सुना दिया, है ना। चलिए, तो ये तो हुआ बच्चों का घर का काम कि बच्चे घर पर क्या क्या कर सकते हैं। देखो क्या क्या किया आपने, एक तो आपने सबसे पहले किया कि आप जहाँ पर भी बैठ करके पढ़ाई करते हो उस कॉर्नर को साफ सुथरा सुंदर रखना, अपनी बुक्स को मैनेज रखना, ठीक है, उन्हें प्रॉपर जगह पे रखना। दूसरा, अपने बैग को मैनेज रखना, अपने बैग को सभी बच्चे जैसे ही पढ़ाई हो जाती है, अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, आपके पीरियड कंप्लीट हो गए, उसके बाद में सभी बच्चे अपनी बुक्स नोटबुक्स को उठा करके प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके कपड़े हैं, आपके छोटे बहन भाइयों के कपड़े हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके अलमीरा में रख सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, आपके घर में जो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं आप उनमें पानी डाल सकते हो, छोटे बड़े जैसे भी पौधे लगे हुए हैं उनमें आप पानी डाल सकते हो। आप खुद पौधे लगा सकते हो, प्लांट्स लगा सकते हो, आप खुद लगाओ आप प्लांट्स और फिर उनकी डेली केयर करो, उनमें पानी डालो, देखो एक दिन सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे फिर उसके अंदर, है ना। और क्या कर सकते हो, घर का आंगन है, घर के आसपास की जगह है उसमें आप साफ सफाई कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप जो अपने घर में आपके पैटर्नल और मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको दवाइयाँ देना, उनके जहाँ पर वो बैठे हैं उसी जगह पर उनको खाना पकड़ाना, और साथ में सुबह और शाम उनके साथ घूमने बाहर जाना, ये सब काम बच्चों आप कर सकते हैं। छोटे छोटे काम में अपनी मम्मा की, पापा की या घर के जो भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्प करना, ये काम आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीड करके सुना सकते हैं उनको, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक होता है दादा दादी को, है ना, मम्मी को भी होता है, तो आप उनको न्यूज़पेपर रीड करके सुना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ घर का काम। अब स्कूल में बच्चों का क्या वर्क होता है, स्कूल में आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। तो अब सब बच्चों को स्कूल आना है ना, तो स्कूल में देखो क्या क्या काम करोगे। वी गो टू स्कूल टू स्टडी। स्कूल में आप क्यों जाते हैं, टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए। स्कूल में आप लोग किस लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। बिसाइड स्टडीज, पढ़ाई के साथ साथ, बिसाइड साथ साथ, पढ़ाई के ही साथ साथ, वी ऑल्सो हैव अदर वर्क्स। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हम कुछ अलग काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी कैन कीप द क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग एंड स्कूल यार्ड नीट एंड क्लीन। सबसे पहला काम तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी क्लास में कोई गंदगी है तो हम क्लास को साफ करें। अगर स्कूल में कहीं पर आप निकल रहे हैं, जैसे कैंपस है, कैंपस में अगर कहीं कोई कचरा है तो आपको उसे उठा करके तुरंत कहाँ डालना है, डस्टबिन में। क्लास में कोई कचरा है तो उसे डस्टबिन में डालो, ठीक है। तो स्कूल में घुसने के बाद आपको पूरे कैंपस में, चाहे वो क्लास हो या फिर कोई कोर्टयार्ड हो, कहीं भी जहाँ भी जो भी अगर आपको कुछ गंदगी मिलती है तो बिना किसी से पूछे, बिना सोचे, हम क्या सोचते हैं कि ठीक है जो स्वीपर है वो साफ कर देगा, लेकिन वो हमारा स्कूल है, उसे साफ रखना हमारी भी ड्यूटी है। तो जो भी गंदगी हो उसे उठाओ और डस्टबिन में डालो, ये एक अच्छी आदत होती है। वी कैन हेल्प द टीचर्स इन डिफरेंट वर्क। साथ में ही हम टीचर्स की भी हेल्प कर सकते हैं अलग अलग काम में। कैसे, वी मस्ट कीप चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस एंड अदर फर्नीचर्स ऑफ द स्कूल क्लीन। हमें अपने स्कूल का जो फर्नीचर है,
आप डेली जिन बेंचेस पर जाकर के बैठते हैं, जिन डेस्क पे हाथ रख के आप काम करते हैं, आप जानते हो कि उन पर डस्ट हो जाता है डेली, तो आपको अपने स्कूल का जो फर्नीचर है उसको कैसा रखना चाहिए? क्लीन रखना चाहिए। आपको जो चेयर हैं, टेबल हैं, बेंच हैं, अपनी जो जगह है उसको डेली आपको साफ करना चाहिए। वी मस्ट लुक आफ्टर देम सो दैट दे आर नॉट स्पॉइल्ड। जब हम अपने स्कूल के फर्नीचर की देखभाल करेंगे, है ना, डेली उनको साफ करेंगे, ठीक है, उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे कि जैसे ही छुट्टी हुई फटाफट से भागने के चक्कर में चेयर तो नीचे ही गिर गई, बेंच गिर गया धड़ाम से, है ना, वो टूट फूट गए, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। उनकी केयर करने का मतलब है ध्यान से फर्नीचर को ध्यान से रखना है कि जब आप निकल के जा रहे हैं तो आराम से निकल करके जाएं कि बेंच टेबल कोई गिरे नहीं, है ना। तो जब हम इनका ध्यान रखेंगे तो हमारे स्कूल का फर्नीचर खराब नहीं होगा। वी मस्ट डू दीज वर्क्स विथ डिसिप्लिन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। हमें स्कूल के डेवलपमेंट के लिए अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ हमें काम करना चाहिए। वी कैन टेक पार्ट इन प्लांटिंग ट्रीज। हम स्कूल में पौधे लगाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि घर में पौधे लगा सकते हैं, ऐसे ही आप स्कूल में भी पौधे लगाएं। ड्यूरिंग द ट्री प्लांटेशन वीक अलोंग विथ अवर स्टडीज। स्कूल के अंदर पेड़ लगाने का, जैसे वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है, है ना, ट्री प्लांटेशन एक डे रखा जाता है, वीक रखा जाता है, उसमें आपको क्या करना है, स्कूल में भी प्लांटेशन करना है, पौधे लगाने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है आज आपका चैप्टर कंप्लीट। मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है जिसमें मैंने आपको पेरेंट्स का वर्क और आपका वर्क और आपका आपका फैमिली में क्या वर्क है और आपका स्कूल में क्या वर्क है, दोनों समझा दिया है। ठीक है, और अब हम राइट करेंगे कुछ वर्ड मीनिंग। यहाँ पर मुझे एक बार दिखाएंगे कि कल मैंने लास्ट वर्ड क्या राइट करवाया था। लक्षिता, दृष्टि, शो मी द नोटबुक, व्हाट द लास्ट वर्ड आई टोल्ड यू यस्टरडे। कल लास्ट वर्ड क्या था? खुशी, ऊपर से दिखा रही है बेटा, नीचे से दिखा। सही से नहीं दिख रहा तुम्हारा। ठीक है, चलिए, ओके, आगे नोट करेंगे। वर्ड मीन, अरेंज, अरेंज मीन व्यवस्थित करना, यंगर, छोटे,
कोर्टयार्ड। आंगन। मेडिसिन्स। दवाइयाँ। स्पॉइल। खराब। करना। और करेंगे। डिसिप्लिन। कहाँ गया? DISCIPLINE। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। प्लांटेशन। इसको बोलेंगे पौधारोपण, या आप इसको वृक्षारोपण भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ वर्ड्स हैं और इनके मीन मैंने राइट कर दिए हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं और साथ में ही इन्हें आपको करना है लर्न। कल करवाऊंगी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।